हेलो एवरीवन, ये है वीडियोस वर्ल्ड चैनल और आप देख रहे हैं ई टैब ट्यूटोरियल सीरीज। आज की वीडियो में हम जानेंगे एक्सट्रूड टूल। बहुत इंपॉर्टेंट टूल है एक्सट्रूड टूल। भी दो तरह के एक्सट्रूड होते हैं। इसमें होता है फ्रेम टू सेल्स, एक होता है जॉइंट टू फ्रेम। यानी कि हम किसी फ्रेम से सेल्स बना रहे हैं और हम जॉइंट से फ्रेम बना रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ई टैब में एक मॉडल बनाएंगे। सेटिंग हम मैट्रिक ले लेते हैं, ओके। डिफॉल्ट ग्रिड ले लेते हैं, ओके। और हम यहाँ पे ऑल स्टोरेज करते हैं और हम डिफॉल्ट कॉलम एंड बीम ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सट्रूड टूल। सबसे पहले आप जाएंगे एडिट। एडिट में एक्सट्रूड, देखा है आप, एक्सट्रूड में दो ऑप्शन है, एक्सट्रूड जॉइंट्स टू फ्रेम और एक्सट्रूड फ्रेम टू सेल्स। एक एक करके दोनों को देखते हैं। सबसे पहले एक्सट्रूड जॉइंट टू फ्रेम्स साइड में रख लेते हैं। देखिए इसमें दो ऑप्शंस हैं, दो टैब हैं, लीनियर और रेडियल। लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ लीनियर में किसी भी कोऑर्डिनेट के पैरेलल, एक्स के पैरेलल, वाई के पैरेलल, जेड के पैरेलल, और रेडियल में किसी पॉइंट के अबाउट रोटेशन। तो लीनियर में देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि ये जॉइंट टू फ्रेम टूल है तो हमें जॉइंट सेलेक्ट करने होंगे। मैंने, चलिए यहाँ देखिए प्लान में ये वाला जॉइंट सेलेक्ट कर लिया। सारे जॉइंट सेलेक्ट हो गए क्योंकि यहाँ पे हमारा ऑल स्टोर है, ओके, कोई नो प्रॉब्लम। अब ये कह रहा है कि इंक्रीमेंट डाटा, कि ये जॉइंट कहाँ इंक्रीमेंट हो। मैं केवल अभी एक्स में देखता हूँ, वाई में भी जीरो कर देते हैं। एक्स में 1 मीटर, ओके ओके पे ले आता हूँ। देखिए क्या हो रहा है, एक्स से डायरेक्शन में उस जॉइंट से, क्योंकि इस टूल का नाम क्या है, जॉइंट टू फ्रेम्स, जॉइंट टू फ्रेम्स, तो जॉइंट से क्या बन रहे हैं, दो फ्रेम, दो लाइन, कितने कितने मीटर की, एक्स वो 1 1 मीटर की। अगर मैं वाई में भी डाल देता हूँ 1, थोड़ी सी लाइन इंक्लाइड हो जाएगी। तो एक बार ओके करके इसको देख ही लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये लाइन, ये लाइन एक जो है 1 मीटर की है, और ये एक्स डायरेक्शन में भी है और वाई में भी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका जॉइंट टू एक्सट्रूड। कंट्रोल जेड से अंडो करते हैं, इस जॉइंट को दोबारा सेलेक्ट करते हैं। कंट्रोल इसका शॉर्टकट है आपका, कोई शॉर्टकट नहीं है, यहाँ पे जाते हैं एक्सट्रूड टू जॉइंट्स। तो ये तीन जो डीएक्स डीवाई डीजेड दिया हुआ है, आपको पता चलेगा जिस डायरेक्शन में आपको इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। और आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है कि पिकअप 2.1 मॉडल, कोई दो पॉइंट मॉडल करने का, तो उनको आप एक्सट्रूड कर सकते हो। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप्स या नंबर ऑफ लाइन कितनी एक्सट्रूड करनी है, ठीक है। अब आते हैं हम रेडियल में। रेडियल में पूछ रहा है कि वो जॉइंट जिससे हमें जॉइंट से फ्रेम्स निकलेंगे वो किसके अबाउट रोटेट हो। तो मैंने पिकअप किया और मैंने ये सिलेक्ट कर लिया जॉइंट, यानी कि इस जो ये जॉइंट हमारा पहले से सिलेक्ट है, और ये जो जॉइंट सिलेक्ट किया है हमने यहाँ से पिकअप पॉइंट से, तो यानी कि इससे जो मेंबर निकलेंगे वो इसके अबाउट रोटेट होंगे इस जॉइंट के, ठीक है। तो मैं डाल देता हूँ 5 डिग्री, यानी कि जो एक मेंबर निकलेगा वो कितने एंगल, एक मेंबर निकलेगा वो कितने एंगल पे टिल्ट होगा, 5 डिग्री पे। और कितने मेंबर्स निकलने चाहिए पूरा एक सर्कल बनाने के लिए, 360 डिवाइड बाय 5, 72। अब ओके कर देते हैं। तो आप समझे इसका मतलब क्या है, देखिए ओके कर देते हैं, उसके बाद समझते हैं इसको, ठीक है। रेडियल हमने ये जॉइंट सेलेक्ट किया था, ठीक है। तो इस टूल का नाम है जॉइंट टू फ्रेम, यानी कि जॉइंट से फ्रेम्स निकलेंगे, लाइंस निकलेंगी, मेंबर्स, ठीक है। रेडियल डायरेक्शन निकलेंगे, वो टैब हमारा रेडियल है, ठीक है। हमने यहाँ पे जॉइंट सेलेक्ट किया था सेंटर जॉइंट ये, तो देखिए यहाँ से हमारे मेंबर्स निकल रहे हैं चारों ओर, किसके, इस जॉइंट के। अब ये पूरा सर्कल क्यों बना रहे हैं, क्योंकि
क्योंकि हमारा एक मेंबर जो है वो निकल के टिल्ट हो रहा है 5 डिग्री पे, और इसी तरह हमारे 72 टाइम्स वो हुआ, तो 5 डिग्री पे ही फर्स्ट मेंबर, फिर 5 पे ये, 5 पे ये, ऐसे करते पूरा 360 हमारा कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं ड्रॉप की, ये ड्रॉप क्या है। ड्रॉप बहुत काम की चीज है। ड्रॉप के लिए हमें एक चीज करना होगा, पहले अंडो कर लेते हैं इसको, और अंडो करके यहाँ पे 1 स्टोरी कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा इस चीज को, एक्सट्रूड जॉइंट टू फ्रेम रेडियल, और जॉइंट मैंने वही वाला जॉइंट ले लिया सेंटर जॉइंट, और जिसको हमने एक्सट्रूड करना है वो वाला ये जॉइंट है। ओके पे ले आता हूँ तो एक सर्कल बनता है ना, क्योंकि हमने 1 स्टोरी सेलेक्ट किया यहाँ पे, तो टॉप व्यू पे एक सर्कल बनेगा। अब मैं ड्रॉप में डाल देता हूँ 3 मीटर, अब देखिए क्या होगा। देख रहे हो आप, 3D में देखिए, 3D में उस जॉइंट जो हमने जॉइंट पहले सेलेक्ट किया था उससे मेंबर निकलते हुए कहाँ फिनिश हो रहे हैं, उससे नीचे 3 मीटर नीचे जो जॉइंट है। ओके करके फिर ध्यान से देखते हैं इसे। यहाँ पे हमने ड्रॉप पे 3 मीटर डाला, देखिए यहां से मेंबर निकलने स्टार्ट हुए इस जॉइंट के अबाउट, और कहां फिनिश हो रहे हैं इससे नीचे 3 मीटर, क्योंकि ड्रॉप हमने 3 मीटर डाला था। अगर मैं ड्रॉप 6 मीटर डाल दूं तो ये कहां खत्म हुआ, नीचे। और इस तरीके से आप क्या बना सकते हैं, सोचिए जरा, इस तरीके से हम बना सकते हैं सर्कुलर स्टेयर, स्पाइरल स्टेयर। तो ये जॉइंट सेलेक्ट किया और सेंटर के लिए ये सेलेक्ट किया, और ड्रॉप इस बार हमने डाल दिया 9 मीटर डाल देते हैं। चलिए ओके करते हैं, देखिए यहां से स्टार्ट हुआ और यहां से फिनिश हो गया। एक बार इसको रेंडर व्यू में और देख लेते हैं। देख रहे हैं आप, ये यहां से स्टार्ट हो रहा है और ये घूमता हुआ नीचे जा रहा है धीरे धीरे, 9 मीटर नीचे इस जॉइंट से, 9 मीटर नीचे यहां ये फिनिश हो रहा है। ठीक है, तो ये था आपका लीनियर जॉइंट टू फ्रेम एक्सट्रूड। अंडो कर लेते हो, नेक्स्ट एक्सट्रूड पे चलते हैं, एडिट एक्सट्रूड फ्रेम टू सेल्स। सेम एज इससे क्या होता है, फ्रेम सेलेक्ट करेंगे यानी कि बीम और कॉलम, और उससे जो निकलेगा रेप्लीकेट होके और एक्सट्रूड होके क्या निकलेगा, सेल्स। देख लेते हैं, मैंने ये सिलेक्ट किया मेंबर और मैंने एक्स में डाला 1 मीटर, ओके पे ले गया मैं, तो देखिए अभी तो आपको सिंपल ये बीम दिखाई दे रहा है, लेकिन ओके कर देते हैं तो ये सेल्स हैं, देखिए। और अगर 3D में हम देखेंगे इसको, देखिए, तो ये जो हमारा टूल है फ्रेम टू सेल्स, ये सेम आपका उसके जैसा ही है जो इससे पहले वाला एक्सट्रूड कराया है हमने जॉइन टू फ्रेम, बस इसमें सेल्स निकलेंगे और सारे ऑप्शन वही हैं। एक बार इससे स्टेयर बना के देखते हैं, ठीक है। यहां से निकलेंगी स्टेयर्स, किसके अबाउट रोटेट होंगी, इसके अबाउट, और ड्रॉप कितना होगी 9 मीटर पे, और कितने एंगल पे, 5 पे, और यहाँ पे 72, यही आता है ना सब। वहां पे एक लाइन, केवल एक लाइन बनी थी, यहाँ पे एक सेल स्लैब की तरह बन जाएगा। ओके करके देखते हैं, थोड़ा सा वेट करना होगा। नहीं बनी, दोबारा देखते हैं। हमने ये मेंबर सिलेक्ट किया था, यहाँ पे डाला था 9 मीटर, सॉरी रेडियल में ये पॉइंट लिया था, और 9, तो इस तरह से कुछ बन रहा था। बन नहीं रहा है, देखते हैं क्या दिक्कत है। ये दिक्कत बहुत आती है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो इसको सिलेक्ट करते हैं केवल, इसके अबाउट अगर हम करें रोटेट, ये हो गया।
यहाँ से निकला हमारा तो 9 मीटर पे फिनिश हो गया। एक बार हम जरा 3D में देख लेते हैं इसको। इस तरह से आप स्टेयर बना सकते हैं। हमने क्या किया था, ये मेंबर इतना सेलेक्ट किया, सेंटर पॉइंट हमने ये लिया, देखो ऊपर से देखोगे तो सेंटर पॉइंट यही है इसका, और 9 मीटर ड्रॉप ले लिया, तो यहाँ से निकली और ये रोटेट होती हुई यहाँ पे फिनिश हो गई। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो अच्छे से आप जान चुके होंगे एक्सट्रूड टूल को, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा ये टूल सीखने को। तो थैंक यू, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उस पर जरूर क्लिक कीजिए, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और एक बात और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हो सकता है आपको अभी ई टाइप ट्यूटोरियल्स की जरूरत ना पड़े, फ्यूचर में आपको एनसीस, अबाकस, एक्सेल या किसी और सिविल इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी तो आपको इजीली मिल जाएगी अगर आप बेल आइकन पर क्लिक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। क्योंकि इन ई टाइप और स्टेट के बाद मैं एनसीस, अबाकस, रिविट आर्किटेक्चर और बहुत सारे सॉफ्टवेयर की सीरीज निकालने वाला हूँ। तो थैंक यू।